गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज मंडे। 9 AM हो गए हैं और बच्चों को मैं स्कूल छोड़ आई हूँ। सुबह 9 बजे का स्कूल है ना बच्चों का, फिर टाइम चेंज हो गया है तो 9 बजे का स्कूल हो गया बच्चों का। तो बच्चों को मैं स्कूल जल्दी से छोड़ के आई हूँ और नानू नहा रहे हैं, नानू को ऑफिस जाना है, उनका भी बस 5 मिनट बचे हैं ऑफिस जाने के लिए। तो अब उनका ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। तो आज खाने में क्या बनाया है? आज खाने में बनाए हैं मेथी के पराठे और मटर पनीर की सब्जी। सब्जी बहुत सिंपल सी तरीके से बनाई है, मम्मी ने बनाई है सुबह सुबह जल्दी से। और मैं अब नानू के लिए पराठे बना रही हूँ, जल्दी से करेंगे और फिर ऑफिस जाएंगे। उसके बाद मंडे है तो मंडे का रूटीन मेरा पता ही है आपको, क्योंकि मंडे मेरा फास्ट होता है, पूजा पाठ, नहाना, फिर घर के सारे काम। तो फिर अब जल्दी से पहले नानू को ब्रेकफास्ट दे देते हैं। और मेथी के पराठे मेरे फेवरेट हैं, तो किस किस के मेथी के पराठे फेवरेट हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नानू को पसंद है झाग वाला दूध, इसको ऐसे ऐसे हिलाइए, इसमें चीनी डालिए और फिर इसको झाग बनेंगे तो अच्छा लगेगा, और झाग नहीं होंगे तो कहेंगे दूध अच्छा नहीं है। सो गाइस, नानू ने ब्रेकफास्ट कर लिया और टिफिन भी दे दिया मैंने उनको, और नानू ऑफिस के लिए गए हैं और अब 9:30 हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं नहाऊंगी, जो सारे काम है वो सब निपटा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो पूजा पाठ हो गई है और काम हो गए हैं, मैंने चाय बना ली, अब मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मुझे कुछ काम करने हैं आज, वो देखती हूँ। मार्केट तो आज नहीं जाऊँगी, मार्केट जाने का सोचा था पर आज मार्केट तो नहीं जाऊँगी, बट हाँ मैं बुटीक जाऊँगी, मेरा सूट डाला हुआ है मैंने स्टिच करने के लिए, वो लेकर आऊँगी। और उसके बाद आज शाम को हमें जाना है एक फंक्शन में, लेडीज संगीत में, क्योंकि मम्मी की बेस्ट फ्रेंड के बेटे की शादी है और हमारी सोसाइटी में ही रहती हैं आंटी। लेडीज़ संगीत का जो फंक्शन है वो गुड़गांव में है, तो आज शाम को गुड़गांव जाना है, विद फैमिली जाएंगे, सभी लोग जाएंगे। तो देखते हैं कि अभी तक तो सोचा भी नहीं है क्या पहन के जाऊंगी और क्या कुछ उसकी तैयारी करनी है, क्या पहनूंगी क्या नहीं सोचती हूँ, और जाऊंगी तो फिर आपको तो दिखाऊंगी क्या पहन के जा रही हूँ। तो चाय पीते पीते मैं मैसेजेस चेक कर लेती हूँ, थोड़ी देर फ़ोन देखती हूँ, उसके बाद तैयार होकर मुझे जाना है बुटीक। तो आप लोग बताइएगा किस किस को पार्टीज में जाना अच्छा लगता है। पार्टी में जाना तो अच्छा लगता है बट उससे पहले जो ये होता है ना, क्या पहने क्या पहने, हम गर्ल्स के साथ यही होता है, कितने भी कपड़े हों बट जब पार्टी में जाना होता है तो हमारे पास कुछ नहीं होता, क्या पहने क्या पहने, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। और मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, सब लोग तैयार हो जाते हैं बट मैं हमेशा लेट होती हूँ, तो मुझे बहुत डांट पड़ती है, ये हमेशा लेट होने में टाइम लगाती है फिर भी तैयार नहीं होती है, क्योंकि बच्चों को भी करना होता है बट ये लोग समझते नहीं है ना, क्या करें। मम्मी को भी 2 मिनट लगते हैं साड़ी पहनेंगी या सूट पहनेंगी, नानू को 2 मिनट लगने हैं पैंट शर्ट, पर मुझे बच्चों को भी देखना है, खुद को भी तैयार होना होता है, और मुझे सबसे लास्ट मिनट पर डांट ही पड़ती है, इसकी वजह से हम लेट होते हैं, इसकी वजह से हम लेट होते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे बताइएगा आप कमेंट करके ना। तो इसलिए आज मैंने सोचा है कि आज मैं ना, इन लोगों ने मुझे टाइम दिया है कि हम 5 बजे निकलेंगे यहाँ से, तो
तो मैं सोच रही हूं कि आज मुझे हर हाल में 5 बजे तैयार रहना है। देखते हैं पॉसिबल होगा या नहीं। आप अगर ब्लॉग देखेंगे कंटिन्यू तो आपको पता लगेगा कि क्या मैं आज 5 बजे तैयार हुई या नहीं। तो मैं तो हमेशा लेट ही रहती हूँ, बट इतना लेट भी नहीं होती हूँ, 5-10 मिनट लेट हो जाता है, बट फिर भी मुझे बहुत सुनने को मिलता है। तो आज फिंगर क्रॉस कर रही हूँ कि मैं टाइम से तैयार हो जाऊँ, इसलिए मैं अपने काम जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। सो गाइस, मैं आज की लेट लतीफ़ हूँ क्योंकि मैं चली गई थी बुटीक, क्योंकि सुबह मैंने बुटीक वाली को कॉल किया था तो उसने कहा अभी नहीं दीदी, आप 2 बजे के बाद आना, फिर 2:30 मुझे बच्चे लाने थे। बच्चों को लेके आई, उसके बाद बच्चों को लंच वंच कराया, चेंज वेंच कराया, काफ़ी टाइम लग गया। फिर मैं बुटीक गई और बुटीक से आई हूँ तो अभी बस 4:30 हो गए हैं और 5 बजे का मुझे टाइम मिला था, तो आधा घंटा है मेरे पास। तो अब मैं देखती हूँ आधे घंटे में जल्दी जल्दी कैसे तैयार होती हूँ। तो बस अभी फेस वॉश करके आई हूँ और क्या क्या करती हूँ जल्दी से करना है, बस मेकअप करना स्टार्ट करते हैं। अभी बस मैं फेस वॉश करके आई हूँ और टोनर लगा लेती हूँ, रॉस टोनर लगाऊंगी आज। तो टोनर हो गया है, लिप बाम, सर्दियाँ हैं और सर्दियों में फाउंडेशन लगाते ही सारा फेस बहुत ड्राई हो जाता है, इसलिए मैं पहले सीरम लगाऊंगी। सर्दियों में फाउंडेशन से पहले अगर हम सीरम लगा लेते हैं ना तो ड्राई नहीं होता, और बस इस सीरम को थोड़ा सा टैप टैप करके फेस पे, पूरे फेस पे लगा लूँगी मैं इसे, और इससे आपका जो मेकअप है ना वो ग्लोई भी लगता है, थोड़ी सी सारा ग्लो ग्लो ऐड हो जाती है हमारे मेकअप में। सो गाइज, देखिए मैंने तो जल्दी जल्दी मेकअप करना स्टार्ट कर दिया है, और मैं जल्दी जल्दी से, अगर आप देखना चाहते हो कि मैं मेकअप के क्या क्या स्टेप करती हूँ तो मैं इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी मेकअप कर रही हूँ और बीच बीच में हस्बैंड भी मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि मैं क्या पहनूँ, ये वाला ब्लेज़र पहनूँ, ये वाली पैंट पहनूँ। तो मुझे साथ में उनको भी देखना पड़ता है और उनको भी बताना पड़ता है कि हाँ ये पहन लो, ये मत पहनो। तो देखिए, हम सिर्फ अपना ही काम नहीं करते, हम हस्बैंड का और बच्चों का भी हमारे ऊपर ही है कि क्या पहनना है उन्हें क्या नहीं। तो आखिर फिर हम थोड़ा सा लेट हो भी जाते हैं तो फिर क्या हो गया। तो देखिए, हम एक ही साथ में कितने कितने काम करते हैं ना। गाइस, तो टाइम अभी 7:30 हुए हैं ना, 7:30 हो गए हैं और हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। मैंने आपको बताया था कि शाम को हम पार्टी में जाएंगे गुड़गांव, तो हम तो पहुंच गए हैं और टाइम था 8 o'clock का। तो मैंने आपको बताया था ना मुझे 5 बजे का टाइम मिला है तैयार होने के लिए, तो मैं 5:30 तैयार हो गई थी। और क्योंकि मेरे हस्बैंड और मम्मी की आदत है कि जो टाइम मिला है उस टाइम पे हमें पहुंचना है पहुंचना है, तो क्योंकि इनको ये था कि गुड़गांव जाना है तो ट्रैफिक मिल सकता है रास्ते में, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकले थे। और यहाँ रात को 8 बजे का टाइम था, लेडीज़ संगीत है यहाँ पे, हालांकि वो आंटी रहती है हमारी सोसाइटी में ही है, बट उन्होंने यहाँ गुड़गांव में लेडीज़ संगीत रखा है। तो उनकी बेटी की शादी और मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड है। कल भी फंक्शन था शगन का बट कल हम नहीं आए थे, बट आज हम आए हैं और 7:30 पे हम पहुंच गए हैं। 8 o'clock का टाइम है, अभी कोई यहाँ नहीं आया है, सिर्फ हम लोग आए हैं। ये देखिएगा, सब खाली है और लेडी संगीत है तो सब लोग डांस वंस करेंगे और मैं भी शायद करूँ। बिल्कुल खाली है अभी, फैमिली वाले भी नहीं आए हैं, जिनका फंक्शन है उसके फैमिली वाले भी नहीं आए हैं और हम सबसे पहले पहुँच गए हैं। देखा, इसका मतलब मैं टाइम पे तैयार हो गई थी, तो आज मैं टाइम पे तैयार हो गई। पहुंच तो टाइम पे गए हैं, अभी पता नहीं यहाँ कितना टाइम लगेगा, और घर भी हमें वापस टाइम से ही पहुंचना है, तो आई थिंक रात के 11-12 बज जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते। और सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना है तो रात को बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट क्या करें। और मैंने क्या डाला है, मैं कैसी लग रही हूँ वो आपको थोड़ी देर में दिख ही जाएगा। फिलहाल आप मेरा मेकअप बताइए कैसा लग रहा है।
ये देखिए आज मैंने आईज पे क्या लगाया है, कैसा लग रहा है बताइएगा। हाँ बट जो मैंने सिरम यूज़ किया था फाउंडेशन से पहले वो विंटर में बेस्ट है। अगर आप फाउंडेशन से पहले सिरम लगाते हैं तो काफ़ी आपका जो मेकअप है वो ड्राई नहीं लगेगा और काफ़ी ग्लोई लगेगा। सो गाइस ये देखिए मैंने डाली थी ये स्कर्ट और क्रॉप टॉप, तो जिसका रिव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ कुछ दिन पहले। मैंने इसके वीडियो बनाई है, मैंने मंत्रा से शॉपिंग करी थी और इसकी वीडियो लिंक मैं आपको दे दूँगी और इस ड्रेस का लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको पसंद आई है तो आप देख सकते हैं। तो जब तक कोई नहीं आया था तो मैंने और माही ने फ़ोटोशूट करा लिया था, क्योंकि माही मेरा साथ देता है इस काम में, बाकी कोई नहीं। तो ये देखिए हस्बैंड यहाँ बैठकर बोर हो रहे हैं और मेरे बच्चे कभी बोर नहीं होते अगर दोनों साथ में हैं तो। अगर मेरे बच्चे दोनों साथ हैं तो बस मस्ती करते रहते हैं और उन्हें कहीं भी छोड़ दीजिए वो फुल मस्ती करते हैं, चाहे कोई हो या ना हो, तो बस बच्चों की मस्ती जारी। और ये देखिए माही मस्ती कर रहा है, डीजे लाइट से ही खेल रहा है वो। तो माही को डीजे पसंद है, डांस पसंद है, वो ये सब करता है। और बड़ा बेटा कभी डांस नहीं करेगा और ये मुँह फुला के बैठा है क्योंकि इसे फ़ोन चाहिए था गेम खेलने के लिए जो मैंने नहीं दिया, तो ये मुँह फुला के बैठा है। गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और कल रात को हम मैंने आपको बताया था पार्टी में गए थे, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था। उसके बाद हमें आते आते रात के 12 बज गए थे और बस आते ही क्योंकि बच्चे फुल नींद में थे कार में ही सो गए थे, आए और उन्हें जल्दी से सुलाया, चेंज किया सोते सोते बच्चों का ही, और फिर मैं भी बस जल्दी से चेंज करके और हम भी सो गए थे तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। और अब नेक्स्ट डे है, सुबह के 10 बज गए हैं, हस्बैंड बच्चे सब स्कूल जा चुके हैं और मैंने थोड़ा बहुत काम भी कर लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। और तो हाँ ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि पार्टी कैसी लगी और क्या कुछ किया हमने। तो पार्टी काफ़ी अच्छी थी और बहुत कम लोग थे क्योंकि मेहंदी का फंक्शन था, तो ढोल डीजे वीजे सब था, तो बहुत लोग डांस कर रहे थे, मैंने भी थोड़ा बहुत किया और इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी शांत सी और अच्छी वाली पार्टी थी मतलब। तो पार्टी हमने इन्जॉय करी और कल का दिन ऐसे बिताया। और बस अब मैं नहाने जा रही थी तो मुझे लगा कि जो मैंने व्लॉग कल स्टार्ट किया था उसको एंड तो कर दूं, तो बस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेन था कि क्या मैं टाइम पे तैयार हुई, तो हाँ मैं टाइम पे बिल्कुल तैयार हो गई थी, 5:30 मैं बिल्कुल तैयार थी, बच्चों को भी रेडी कर दिया था मैंने और हम लोग पार्टी में जल्दी पहुँच गए थे जैसे कि आपने देखा होगा। तो हम टाइम पर पहुँच गए थे, इवन जल्दी ही पहुँच गए थे, तो मैं रेडी हो गई थी टाइम पर, देखा ये, तो मैं जल्दी टाइम पे तैयार हो गई थी ना। तो ऐसा नहीं है कि हम गर्ल्स हमेशा लेट कराते हैं, मैं टाइम पे तैयार हो जाती हूँ। तो आप आज का व्लॉग कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझसे और मेरी फैमिली से जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, धन्यवाद।